तो हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमने टेबल में जो भी डेटा है उस टेबल के डेटा को अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहें, मतलब डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में रखना चाहें तो किस कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने पूरे के पूरे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके CSV के फॉर्म में कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए बस हमें इतना करना होगा कि अभी हम एक बटन बनाएंगे एंड उसके क्लिक पे फंक्शन कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा लॉजिक लिखेंगे और PDF एक्सेल की CSV की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अभी हम चलते हैं एंड एक बटन बनाते हैं जो कि ऐड रो और न्यू रो के बगल में एक बटन बनेगी। मैं पहले बटन बना लेता हूँ एंड हमारी बटन यहाँ बनेगी। ओके, एंटर करता हूँ एंड बटन ओके एंड यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट CSV फाइल। एंड इसके अंदर एक ऑन क्लिक मेथड बनाएंगे एंड उसके क्लिक पे हम फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर सारा का सारा लॉजिक लिखा होगा। तो ऑन क्लिक, यहाँ पे हो जाएगा हैंडल एक्सपोर्ट और CSV। ओके, तो यहाँ से हम इस मेथड को कॉल करेंगे और इसको हम ऊपर बना लेते हैं। हम इसको यहाँ बनाएंगे कॉन्स्ट, मेथड का नाम हैंडल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट CSV, इसको टी करते हैं, नीचे भी टी करना होगा, एक्सपोर्ट CSV। इसको हम कॉल बैक बनाएंगे फर्स्ट, इसको कोई सा भी पैरामीटर नहीं चाहिए, इट्स ओके। और अभी डायरेक्टली हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि लाइक हमारे जो टेबल है उसमें अभी के लिए हमें इस पेज पे 9 डेटा दिख रहे हैं, बट इसके आगे भी और भी डेटा है। 2 पेज पे हम देख सकते हैं कि 18 है एंड हर पेज में से लगा है पूरे के पूरे हमारे 13 डेटा। तो जो डाउनलोड करना है वो पर पेज करना है या फिर सारा का सारा डेटा एक बार में करना है? अभी के लिए हम एक पेज का डेटा सिर्फ डाउनलोड करके देखेंगे। तो लाइक मेरे जो CSV डाउनलोड होगी उसमें केवल 9 डेटा होंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इस पेज पे डेटा दिख रहा है इसको एक्सट्रैक्ट करके इस डेटा में से निकाल के हमें CSV जो होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करती है। तो सबसे पहले हमें इसको सारे डेटा को निकाल के अपने एक वेरिएबल में रखना होगा जो कि कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल किस फॉर्म में रखेगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, तो लेट CSV कंटेंट। ओके, CSV कंटेंट हो गया और अभी हम इस कंटेंट निकालने के स्पेस वाले हैं। तो जो डेटा जिससे हमारा टेबल बन रहा है, तो अभी टेबल जो बन रहा है वो डेटा में डेटा के हेल्प से बन रहा है। तो डेटा पे हम लगाए डॉट मैप और मैप में हम हर एक रो के पास जाएंगे। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, यहाँ बनाते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब हमें यहाँ पे मिलने वाला है हर रो पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर से सारी की सारी वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और वैल्यूज को निकालने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे रो, ओके, इस पर लगाएंगे हम जॉइन। इस पूरी की पूरी हमें ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ये हमें एरे देने वाला है। इस एरे को हमें ज्वाइन करना होगा कॉमा से, हमने इसको ज्वाइन किया किससे, कॉमा से। ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, बट हम जब हमें ये डिसाइड करना होगा कि नेक्स्ट रो आई है, यानी नेक्स्ट रो के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों से निकल के वापस इसको ज्वाइन करेंगे स्लैश नेक्स्ट लाइन के लिए एंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा, बैकवर्ड स्लैश होगा। ठीक है, अब मैं अगर लॉग आपको ब्राउजर पे चल के एंड लॉग में दिखाऊँ CSV कंटेंट में प्रिंट होना चाहिए और इसमें से सारा जितना भी डेटा था वो कॉमा के सेपरेटेड फॉर्म में मिलना चाहिए हमें। अगर मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँ एंड यहाँ पे आते हैं हम करते हैं एंड अगर मैं एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करूँ तो हमें एक ये सारा डेटा मिल रहा है। जो इस पेज पे डेटा प्रेजेंट है वो हमें इस फॉर्मेट में मिल रहा है एंड जो लास्ट में हमने स्लैश एन लिखा था उसकी वजह से ये दूसरा डेटा जो है वो नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमें सारा का सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट होके मिल गया है। अब हमें फाइल बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें ब्लॉब का यूज़ करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट ब्लॉब न्यू इक्वल्स टू न्यू ब्लॉब,
ब्लॉग बेसिकली हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है कि इसके अंदर हमें जो जो फॉर्मेट जो डेटा अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया वो देना होगा एंड इसको बताना होगा कि हमारी जो फाइल टाइप बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है। यहाँ पे टाइप टाइप में और TYP टाइप कोलन टेक्स्ट हाइफन CSV ओके। यहाँ पे हम इसको कर्ली ब्रेसेस में करना होगा क्योंकि ये की और वैल्यूज हैं तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पर हमने CSV बना लिया। आगे हम चलते हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका जिसके पास URL बनेगा। ब्लॉब हमें URL देगा, इस URL को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्लॉब के पास जाएंगे, window.url ऑब्जेक्ट URL ओके। इसके अंदर हम ब्लॉब को पास कर देंगे ब्लॉब ओके। एंड यहाँ इतना करने के बाद जो URL हमें ब्लॉब की हेल्प से मिलेगा जिसके अंदर हमारा एग्जैक्ट ये कंटेंट है, इसके बाद हमें एक एंकर टैग बनाना होगा। तो हम एंकर टैग बनाते हैं सबसे पहले a=, और document.create एलिमेंट, और एलिमेंट कैसा होगा, एंकर टैग टाइप का होगा। इस a के अंदर से हमें मिलेगा a.href, जो href होता है बेसिकली URL होता है। एंड इस href बेसिकली रेफरेंस अपने पास रखता है, तो इसके अंदर अब रेफरेंस किसका देने वाले हैं, जो URL अभी बना है उसका। एंड a.download करके इसके पास एट्रीब्यूट होता है, उस डाउनलोड में हम एग्जैक्टली अपने फाइल का नाम देने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे और टेबल _ data.csv ओके। एंड ये पे हम एक क्लिक लगाने वाले हैं, क्लिक में कुछ नहीं करेंगे, बस क्लिक मेथड को कॉल करेंगे एंड window.url ओके। एंड .revoke अच्छा यहाँ पे गलत विंडो इंपोर्ट कर लिया, url.revoc ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर देंगे url एंड लास्ट में Alt+Shift+F ठीक है। तो अभी मैं इसको डिबगर मोड पे चला देता हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट पता चलता रहे कौन सा कोड क्या करता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड ओके मैं इस पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी के लिए हमारे पास सबसे पहले CSV कंटेंट में जो डेटा आएगा वो इस पेज पे जितना भी डेटा है, मतलब 9 डेटा है, तो 9 डेटा कॉमा सेपरेटेड एंड लाइन सेपरेटेड के फॉर्म में CSV कंटेंट में आ जाएंगे। तो पास करूँ तो जैसे कि देख सकते हो ओवर करके सारा का सारा 9 डेटा हमारे पास आ चुका है। अगर मैं एक बार क्लिक करके आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे हमें ब्लॉब मिल चुका है जिसकी साइज 35 एंड यहाँ पे हमने बस ये इसको एग्जैक्ट बता दिया कि हमारी जो कंटेंट दे रहा है उसकी साइज़ कितनी है, 3534 है एंड टाइप इसका CSV होने वाला है। एंड इसके URL window.url क्रिएट ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये ब्लॉब को यूज़ करते हुए एक URL बनाएगा जिसके ऊपर एग्जैक्ट हमारा डेटा रेंडर हो रहा होगा। लाइक मैं अगर इसको पूरा हेल्प यूज़ करें तो एक URL ब्लॉब के पास ओके। URL में एक हमें URL मिल गया, इस URL को हमने इस रेफरेंस एक एंकर टैग बना के उसके अंदर पास करना है। तो यहाँ पे हमने बनाया एक एंकर टैग के HRF एट्रीब्यूट को हमने URL दे दिया जो ब्लॉब की हेल्प से बना था एंड इसके बाद डेटा पड़ा होगा। फिर डाउनलोड पे हमने डाउनलोड को एग्जैक्ट फाइल का नाम बताया एंड एक क्लिक मेथड का होगी। अगर हम पूरा पास कर दें तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और टेबल डेटा 3 करके मैंने पहले भी डाउनलोड किया था। एंड लाइक अभी हमारे पास जो भी डेटा था हमारे टेबल वो कॉमा सेपरेटेड के फॉर्म में आ गया एंड लाइन सेपरेटेड के फॉर्म में। लाइक यहाँ से इतना पार्ट हमारा रो 1 का डेटा है एंड इसके अंदर हर कॉलम में हर रो में जितने भी डेटा थे वो कॉमा सेपरेटेड है, हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमें पूरे के पूरे टेबल में जितना डेटा है वो गेट करना है, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट जितना डेटा है, तो यहाँ पे ओरिजिनल डेटा के पास मेरे पास 30 डेटा पड़े हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करके एंड डीबगर हटा देता हूँ, अभी डीबगर का काम नहीं है ओके। मैं नॉर्मल किया एंड वापस जाके अगर मैं क्लिक करूँ और इस पर एक्सपोर्ट CSV पे जो अब ये 4 वाला डाउनलोड हुआ होगा, ये इसके पास 30 के 30 डेटा होंगे। लाइक 30 डेटा है मेरे पूरे टेबल में एंड ये 30 डेटा हमें रिटर्न कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ।